हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हुंडई के शोरूम पे और हमारे पास है हुंडई की ऑल न्यू टाइटेन नियोस 2023 और ये इसका बेस वेरिएंट है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 5,68,000 से लेकर 8,48,000 तक जाती है इसकी एक शोरूम प्राइस। और आज हमारे पास जो वेरिएंट है ये इसका सबसे बेस वेरिएंट है एरा और इसकी प्राइस है 5,68,000 एक शोरूम जयपुर। और इसके वेरिएंट्स की बात करें तो अपने को टोटल नंबर ऑफ वेरिएंट्स इसमें चार मिलते हैं, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स और एस्टा। एस्टा इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें अपने को केवल एक ही इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो है 1.2 लीटर कापा सीरीज पेट्रोल इंजन। और ये पावर जनरेट करता है 81 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ये देखिए। और इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये देखिए 1680 mm अपने को इसकी विड्थ मिल जाती है। और लेंथ की बात करें तो ये देखिए 3815 mm अपने को इसकी लेंथ मिलती है। और हाइट की बात करें तो ये देखिए अपने को 1520 mm अपने को इसकी हाइट मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये देखिए 165 mm की अपने को इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलती है। चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने को हुंडई के बेस वेरिएंट में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है इसका अपने को फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पर अपने को हुंडई का लोगो मिल जाता है। ये देखिए ग्रिल की बात करें तो ये देखिए अपने को मैट फिनिश में इसकी ग्रिल देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे अपने को मैट फिनिश में ही मिलती है। और ये आधी अपने को ये देखिए पैक मिलती है और आधी ओपन मिलती है। और यहाँ पे टोइंग हुक मिल जाता है और कोई भी अपने को इसमें DRL वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते, ना ही इसमें अपने को फॉग लैंप मिलते हैं। और हेडलाइट की बात करें तो ये देखिए अपने को और ऐसे कुछ मिलती है अपने को इसकी हेडलाइट, ये देखिए अपने को रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिलती है, हाई बीम, लो बीम। और यहाँ पर अपने को इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। आप देखते हैं इसका, ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट विंडशील्ड पे अपने को दो वाइपर्स देखने के लिए मिलते हैं, एरो ट्विंस नहीं, केवल नॉर्मल वाइपर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब चलते हैं इसके राइट हैंड साइड प्रोफाइल पे और चेक करते हैं इसका राइट हैंड साइड प्रोफाइल। और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका राइट हैंड साइड प्रोफाइल। इसके व्हील से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए अपने को इसके व्हील पे अपने को कोई भी कवर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। और फ्रंट व्हील में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और अपोलो का व्हील देखने के लिए मिलता है अपने को इसमें, ये देखिए। और इसके प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए अपने को 165/70 R14 14 इंच की व्हील देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे मिलता है अपने को इसका सस्पेंशन ट्रेवल, ये देखिए 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ये देखिए। और पावर भी हम की बात करें तो आप इसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रिक फोल्ड होता है ना एडजस्ट होता है। और ये केवल मैट फिनिश में मिलेगा अपने को, ये देखिए बॉडी कलर नहीं मिलता है ये। और डोर हैंडल भी अपने को मैट फिनिश में ही मिलते हैं, मैट ब्लैक में, बॉडी कलर नहीं मिलते यहाँ पे। की होल और ये देखिए वी पिलर भी अपने को बॉडी कलर ही मिलता है, ऐसी कुछ मिलती है इसका साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं इसके रियर में और चेक करते हैं इसका रियर प्रोफाइल। और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका रियर प्रोफाइल। रूफ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अपने को एंटीना नहीं मिलता लेकिन आपको इसकी प्लेसिंग मिल जाती है। आप इसमें आफ्टर मार्केट अगर इंफोटेनमेंट वगैरह लगवाते हैं तो यहाँ पे आप इसका एंटीना इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे मिलता है अपने को इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप। और रियर विंडशील्ड पे आपको कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये देखिए इसकी टेल लाइट्स, ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी टेल लाइट्स, ये देखिए एरो जैसी मिलती है अपने को इसकी ट्रेल लाइट। ये ऑलवेज ऑन मोड में रहती है अगर आप लाइट ऑन करते हैं तो। यहाँ पर अपने को इसकी ब्रेक लाइट मिलती है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे मिलता है अपने को इसका रिवर्स लैंप, ये देखिए। और पूरी जॉइंट मिलती है अपने को ये लाइट, ये देखिए, लेकिन ये ऑन नहीं होती, ऑन केवल ये वाली लाइट ऑन होती है, ये केवल आपको ऐसी ही मिलती है। और यहाँ पे मिलता है अपने को हुंडई का लोगो, नियोस की बेजिंग मिल जाती है और ग्रैंड आईट्रेन की बेजिंग मिलती है। और यहाँ पर अपने को ये देखिए रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है बूट को ओपन करने के लिए, और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे बूट ओपन हो जाता है। ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका बूट स्पेस 252 liters का अपने को इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। आप देखते हैं इसका स्पेयर व्हील, ये देखिए यहाँ पर मिलता है अपने को इसका स्पेयर व्हील। और इसी में अपने को जैक वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। और इसके प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए अपने को 1 inch छोटा मिलता है बाकी व्हील से। और इसके प्रोफाइल की बात करें तो 185/80 R13 13 inch का व्हील मिलता है और बाकी अपने को 14 inch के व्हील मिलते हैं। आप बूट को बंद कर देते हैं और देखते हैं इसका बम्पर, ये देखिए बॉडी कलर ही मिलता है अपने को इसका बम्पर। और इसी पे अपने को 2 point पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर, और 1 और 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और यहाँ पे मिलता है अपने को इसका रिफ्लेक्टर, ये देखिए। रियर लुक से यार काफी शानदार लगती है ग्रैंड आईटेन नियोस, ये देखिए जब से फेसलिफ्ट आया है इसका रियर लुक काफी शानदार हो गया है। अब देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल। और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल जो कि सेम है राइट हैंड साइड जैसे, बस यहाँ पे अपने को फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 37 liters। और इसकी ARI माइलेज की बात करें तो 21 kmpl की अपने को इसमें ARI माइलेज मिलती है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसका इंटीरियर।
और अंदर जाने से पहले एक बार आपको इसकी की दिखा देता हूँ, कैसी कुछ की मिलती है अपने को इसमें देखने के लिए। ये देखिए फ्लिप की देखने के लिए मिलती है, लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अपने को इसकी सेकेंडरी की मिलती है जो कि नॉर्मली इसमें कोई भी आपको स्विच वगैरह नहीं मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर। और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को, इसका ड्राइवर साइड डोर ड्यूल टोन में मिलता है अपने को, यहाँ पे मैट ब्लैक और बेज कलर में मिल जाता है, व्हाइट कलर का मिलता है। ये देखिए यहाँ पर अपने को स्पीकर की प्लेसिंग मिलती है अपने को, बेस वेरिएंट में स्पीकर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मिलता है अपने को इसका कप होल्डर, स्टोरेज स्पेस और दो पावर विंडो अवेलेबल, केवल दो ही पावर विंडो मिलती है अपने को। ड्राइवर साइड इल्यूमिनेटेड मिलती है, यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है मैट फिनिश में, और यहाँ पे लॉक करने के लिए लीवर मिलता है। और ओआरवीएम को आप ये देखिए मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं इसकी ड्राइवर साइड सीट। और ये देखिए ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी ड्राइवर साइड सीट, यहाँ कुशनिंग की बात करें तो आप अपने को काफी सही मिलती है यार इसकी कुशनिंग, ये देखिए। और फैब्रिक सीट मिलती है अपने को, कोई भी लेदर वगैरह अवेलेबल नहीं है इसमें। और इसके थाई सपोर्ट की बात करें तो ये देखिए अपने को काफी अच्छा थाई सपोर्ट देखने के लिए मिलता है इसमें। और सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो सीट केवल आप ये देखिए रीच के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें हाइट एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। और सपोर्ट्स भी काफी सही मिलते हैं अपने को इसमें, ये देखिए। और फिक्स मिलती है अपने को इसमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है इसमें, ये देखिए। और यहाँ पर मिल जाता है अपने को इसका हेडलाइट लेवलर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसका इंटीरियर। और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका स्टीयरिंग व्हील, इस पे कोई भी आपको स्विच वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं क्योंकि अपने को इसमें इंफोटेनमेंट अवेलेबल नहीं है, ये इसका बेस वेरिएंट है। और इसके एयरबैग की बात करें तो अपने को इसमें टोटल नंबर ऑफ एयरबैग 4 मिलते हैं, इसके बेस वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें अपने को लेफ्ट हैंड साइड मिलता है इसका आरपीएम मीटर, जिसमें 8000 तक की आरपीएम में मार्किंग मिलती है। और यहाँ पे अपने को इसका स्पीडोमीटर मिलता है जिसमें 220 तक की स्पीड मार्किंग मिलती है। और यहाँ पे मिलती है इसकी एमआईडी, और एमआईडी के कंट्रोल आपको देखिए यहीं देखने के लिए मिलते हैं, इसी में आप इसके कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल दिखाएगा, टोटल किलोमीटर ड्रिवन, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये देखिए। और इन्हीं से आप इसमें रीसेट करते हैं, एवरेज वगैरह सब इन्फॉर्मेशन आपको इसी में शो होती है, टाइम वगैरह ये देखिए। और अब देखते हैं इसका सेंटर कंसोल, ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे अपने को मैट फिनिश में देखने के लिए मिलता है, लेकिन कोई भी आपको इंफोटेनमेंट वगैरह इसमें अवेलेबल नहीं है। और इसके डैशबोर्ड पे अपने को 3 कलर देखने के लिए मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पे अपने को मैट ब्लैक मिलता है, यहाँ पे ग्रे मिलता है, और यहाँ पे अपने को ये देखिए बेज कलर देखने के लिए मिलता है, बेज नहीं आपको क्रीम कलर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस ये देखिए, और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस। अब देखते हैं इसका ग्लोव बॉक्स, ये देखिए ग्लोव बॉक्स अपने को काफी लार्ज साइज का मिलता है इसमें, ये देखिए काफी ज्यादा सामान आप इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, हजार्ड लाइट का स्विच मिलता है, और मैनुअल एसी मिलता है अपने को इसमें, ये देखिए। और यहाँ पे अपने को 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, कोई भी यूएसबी पोर्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे स्टोरेज इस पे 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है अपने को इसमें, और यहाँ पे मिलता है अपने को इसके 2 कप होल्डर, ये देखिए। और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पे मिलता है अपने को इसका 1 बोतल होल्डर, ये देखिए। लेकिन यार ये थोड़ा छोटा साइज का, इसमें शायद ही कोई बोतल आ पाए, आप आधा लीटर की बोतल इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है अपने को इसका हैंड ब्रेक, आप देखते हैं इसके सनसेट वगैरह, ये देखिए यहाँ पर अपने को इसका सनसेट मिल जाता है, इसमें कोई भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। ये इसका IRVM, ये एडजस्ट नहीं होता है डे नाइट के लिए, मैनुअली भी एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है इसमें। यहाँ पर मिलता है इसका को पैसेंजर साइड, ये देखिए इसमें भी आपको वैनिटी मिरर वगैरह अवेलेबल नहीं है। और इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये देखिए अपने को इसमें ABS, EBD, फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक, और टोटल नंबर ऑफ एयरबैग्स की बात करें तो 4 एयरबैग मिल जाते हैं। और बाकी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। और इसके स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें अपने को स्टीयरिंग एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, ना ही टिल्ट के लिए ना टेलीस्कोपिक के लिए। यार हुंडई को इसमें देना चाहिए था, ये एक छोटा सा पॉइंट बोल सकते हैं आप इसका, इसमें ये नेगेटिव, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अभी सीट को मैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ, फिर चेक करते हैं इसका रियर सीट स्पेस और कंफर्ट। और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका रियर डोर ड्यूल टोन में ही मिलता है, यहाँ पे मैट ब्लैक और यहाँ पे अपने को व्हाइटिश मिल जाता है। और स्पीकर की प्लेसिंग मिलती है, लेकिन स्पीकर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बोतल होल्डर डोर को बंद करने के लिए, और विंडो को रोल अप रोल डाउन करने के लिए लीवर मिल जाता है, और ये डोर ओपनर मिल जाता है यहाँ पर मैट फिनिश में। और आप देखते हैं इसकी सेकंड डोर, ये देखिए ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी सेकंड डोर, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता अपने को इसमें, और फिक्स मिलते हैं इसके हेडरेस्ट, ये देखिए। और इसमें आप 2 अडल्ट काफी आराम से बैठ सकते हैं, और बीच में एक बच्चा काफी आराम से बैठ सकता है। आप चेक करते हैं इसका स्पेस, ये वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। और चेक करते हैं इसका सेकंड रो का स्पेस, और ये देखिए आपको कर्व में मिलती है ये सीट, ताकि अपने को पीछे स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल सके। और ये देखिए
तो मेरे को लेग रूम यार काफी सही मिल रहा है, 2 से 3 इंच का मेरे को इसमें लेग रूम मिल रहा है। और हेड रूम की बात करें तो 2 इंच के अप्रोक्स मेरे को इसमें हेड रूम मिल रहा है, तो स्पेस काफी सही मिलता है अपने को इसमें, ये देखिए। और यहाँ पे कोई भी आपको एसी के वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं। और ये देख लीजिए इसका एक बार फिर से केबिन, ये देखिए एक बार फिर से इसका डैशबोर्ड, इस पे कोई भी आपको इंफोटेनमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।